हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान। मैं हूं विकास। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर में किसी वीडियो या इमेज के बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होने वाले फॉर्मेट को हम कैसे चेंज करेंगे और ताकि उसे हम अलग अलग अपने मीडिया प्लेयर्स में उसको देख सकें, इमेज या वीडियो को। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये चेंज। जैसे यहाँ पर ये वीडियो है और ये इमेजेस हैं। अब इन इमेज या वीडियो को हम अपने अन्य अलग अलग मीडिया प्लेयर में ओपन करके देखना चाहते हैं तो कैसे चेंज होगा। अब ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम के मीडिया प्लेयर में ओपन होते हैं। तो मान लो हमें वीडियो देखना है, तो इसमें हम यदि हम माउस से कंप्यूटर चला रहे हैं, माउस यानी डेस्कटॉप पे चला रहे हैं या लैपटॉप पे, तो माउस पे राइट क्लिक करना है और लैपटॉप पे भी चला रहे हैं तो टच पैड पे राइट क्लिक करना है और यहाँ ओपन विथ ऑप्शन पे जाना है। ओके, ओपन विथ ऑप्शन में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो अलग अलग मीडिया प्लेयर्स के नाम रहेंगे, जो आपके मीडिया प्लेयर्स इंस्टॉल रहेंगे सिस्टम में उनके नाम रहेंगे। मान लीजिए हमारे पास वीएलसी मीडिया प्लेयर है, अभी ये बाय डिफॉल्ट विंडो मीडिया प्लेयर में ओपन होता है, हमें वीएलसी मीडिया प्लेयर में ओपन करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया है और इस पर प्ले होने लगा है। अब इसी तरह आप वीडियो के साथ साथ अन्य फाइल को भी, जैसे ये है आपका इमेज फाइल, तो इमेज फाइल को भी आप एडिट करने के लिए या प्ले करने के लिए अलग अलग फाइल्स फॉर्मेट में ओपन कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के पिकासा फोटो, विंडो मीडिया प्लेयर या विंडो फोटो व्यूअर जिसमें ओपन करना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं। अभी ये बाय डिफॉल्ट विंडो मीडिया प्लेयर पे ओपन होता है, तो कैसे ओपन होता है देखिएगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं हम यहाँ पर डबल क्लिक, तो ये इस तरह से ओपन होता है। लेकिन आपको चेंज करना है कि ये बाय डिफॉल्ट जो ओपन होता है ये फॉर्मेट अलग फॉर्मेट में रहे, जो हम फॉर्मेट फिट कर दें उस पर रहे। तो इसके लिए क्या करना है, सेम प्रक्रिया करनी है, चाहे इमेज हो या वीडियो, ओपन विथ पे जाना है, मतलब इमेज या वीडियो को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, ओपन विथ में जाना है और ये जो चूज डिफॉल्ट नाम का ऑप्शन है प्रोग्राम, चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम, चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम पे जैसे क्लिक करेंगे तो जिस भी ऑप्शन में आपको ओपन करना है, मान लो आपकी इमेज है तो इमेज के अलग अलग फॉर्मेट रहेंगे उसको सेलेक्ट कर लेना है। मान लो आपको ओपन करना है विंडो फोटो व्यूअर में, तो इसको सेलेक्ट करिए और ओके करिए। जैसे करेंगे क्लिक तो ये आ जाएगा, देखो विंडो फोटो व्यूअर पे ये ओपन होने लगा है। ठीक है, इसी प्रकार मान लो आपको वीडियो को करना है तो वीडियो में भी ऐसी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। चूज करना है प्रोग्राम, इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।